गुड मॉर्निंग, कल हम लोगों ने असहयोग आंदोलन, ठीक है, दांडी मार्च और फिर असहयोग आंदोलन। अब यहाँ पर एक समझौता होगा गांधी और इरविन में, जिससे असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा। सबसे पहले इसमें देखो, पीछे हम लोगों ने देखा था कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, है ना। अब जो वायसराय इरविन आएगा, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन इनको रिहा कर देगा गांधी जी, जो जेल में इनको किया गया था। तो 26 जनवरी 1931 को इनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मेन पॉइंट ये है, 5 मार्च 1931 जब गांधी इरविन समझौता हुआ है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी और इरविन के बीच समझौता कब हुआ है, 5 मार्च 1931। वार्ता बहुत पहले चालू हो गई थी, लगातार बातचीतें चल रही थी, उसके बाद ये समझौता हुआ है। अब समझौते में क्या हुआ है, कुछ पॉइंट्स रखे गए, मतलब कि इरविन ने अपनी तरफ से कुछ पॉइंट्स रखे और गांधी जी अपनी तरफ से रखे, जिसमें सहमति बनी कि चलो अच्छा ये चीजें करनी है हमें। तो 5 मार्च 1931 को ये हुआ। अब इस समझौते के अनुसार ये 5 पॉइंट थे जो दोनों लोगों के बीच डिस्कस हुए, गांधी इरविन में, ठीक है। पता है कि इसी मंथ में और इसी वर्ष में ही फांसी होगी उन तीनों लोग को, भगत सिंह और वो सब, बट उनसे रिलेटेड कोई भी पॉइंट इस समझौते में नहीं था, जबकि अगर चाहते तो एक पॉइंट और बढ़ा सकते थे, क्योंकि इरविन को मानना तो था ही सब, जो भी यहाँ पर था वो सारे पॉइंट मानने थे उसे, बट इसमें वो पॉइंट नहीं था। पहला क्या था इसमें, गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित। तो कांग्रेस जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, कह रहे थे हम रोक देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम बंद कर देंगे। दूसरा, सभी युद्ध बंदी जिनके विरुद्ध हिंसा का आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश, मतलब ऐसे जिनके ऊपर कोई चीज अपराध नहीं हो पाया है, मतलब लागू, उनको रिहा कर दो, ये चीज एक थी। विदेशी कपड़ों और शराबों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार, ठीक है। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति, क्योंकि नमक आंदोलन चला था और नमक तो जो उन्होंने दांडी मार्च किया था उससे। कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन भाग लेते हैं। देखो, दो पॉइंट सबसे ज्यादा जिनसे बनते क्वेश्चन है, तो पांच, लेकिन एक ये जो ऊपर वाला है पहला और ये जो पांचवा है, यही दो पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनते हैं कि गांधी इरविन समझौते में मेन पॉइंट क्या था। तो एक पॉइंट था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करना, और दूसरा था गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, क्योंकि कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, तो इस वाले में उसने कहा कि हम इस वाले में भाग लेंगे, ठीक है, ये मेन पॉइंट है। तो आपको दो बातें बस ध्यान रखनी है, गांधी इरविन में बहुत कुछ नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि गांधी इरविन समझौता हुआ कब है, ये याद कर लो, 5 मार्च 1931 डेट याद कर लो कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसका मेन पॉइंट क्या है, तो एक पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये पूछा जाता है कि किस समझौते के तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी इरविन समझौते के तहत बंद कर दिया गया था 5 मार्च 1931 को, और द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए थे किसके अकॉर्डिंग, गांधी इरविन समझौता के अकॉर्डिंग। दो पॉइंट आप पर, इन दोनों लोगों को महात्मा कहा है, दो महात्मा किसने, सरोजनी नायडू ने, तो ये भी ध्यान रखना है कि दो महात्मा किसको कहा गया है और किसने कहा है। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा है। एक अंग्रेज है एलन कैंपबेल जॉनसन, ये कहता है कि महात्मा गांधी को बहुत कुछ ज्यादा लाभ नहीं हुआ, इनको एक सांत्वना पुरस्कार दे दिया गया है, मतलब जो इनको समझौते के लिए कहा जा रहा है तो वो उसको एक कंपेयर कर रहा है, जैसे सांत्वना पुरस्कार नहीं दे दिया जाता कि चलो आपको दे देते हैं थोड़ा बहुत, आप भी लास्ट से आए हैं और आप रोइए मत, खुश रहिए, तो आपको भी एक पुरस्कार दे देते हैं, जैसे सांत्वना पुरस्कार। तो ये कैंपबेल उनको ये कह रहा है, गांधी इरविन को, महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार, ठीक है। तो दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी, ठीक है। यहां से अगर हम देखें तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है
कि गांधी और इरविन के मध्य जो वार्ता थी वो किसने शुरू कराई थी, मतलब स्टार्ट किसने किया था, तो ये तेज बहादुर और एम आर जयकर। ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ स्टूडेंट्स, डेट बताइए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931, इसी साल उन लोगों को फांसी भी होगी। बट इस इरविन समझौते में ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जिससे उनकी फांसी को रुकवाया जा सकता हो, चाहते तो एक पॉइंट और बढ़ा देते गांधी जी, वो भी मान लिया जाता, तो 5 मांगी गई थी, तो एक आध पॉइंट और बढ़ा दिए होते, बट ठीक है, कुछ सोचे होंगे, अब उस समय उनके दिमाग कुछ चला होगा। ठीक है, इसके बाद का है कराची अधिवेशन 1931। तो अब इसके लिए थोड़े से पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस, क्या इसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, 26 से 31 मार्च 1931, ये कब हुआ था? जस्ट ये जो समझौता हुआ है भाई, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च को हुआ है, उसके बाद ही ये हो गया है। तो गांधी इरविन समझौते को लागू करने के लिए ये अधिवेशन आपका किया गया जिससे कि उसको अप्लाई किया जा सके। इस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ठीक है, कि मतलब अगर गांधी मर जाए बट उसका गांधीवाद जिंदा रहेगा और लोग उसको मानते रहेंगे, ऑब्वियस सी बात है, वो आज चल भी रहा है, देख ही रहे हो कि कुछ भी आंदोलन करना होता है तो गांधीवादी तरीके से करते हैं लोग, तो वही चीज उन्होंने बोली थी। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना था। ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। मूल अधिकारों आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया, जवाहरलाल नेहरू ने, एम एन राय सहयोगी है। आपका मेन पॉइंट कराची का बस इतना है, देखो हम बता दें इसमें पूछा क्या गया है, वो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो गांधी इरविन समझौता के जस्ट बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ था, जिसमें उसको मतलब उस पर सहमति बन गई थी, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। तो गांधी इरविन समझौता 1931 में मार्च में ही हुआ है और उसी के बाद कराची का अधिवेशन हुआ था, इसलिए उसको याद रखना होता है कि उस अधिवेशन के बाद जस्ट कराची अधिवेशन हुआ था जिसमें इस चीज को मंजूरी दी गई थी, ये है मेन पॉइंट। ठीक है, तो यहां से जो मेन पॉइंट है गांधी इरविन समझौता में वो डेट है 5 मार्च 1931 जब वो हुआ है। ठीक है, दूसरा कराची अधिवेशन वाला आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कराची अधिवेशन है वो कब हुआ है और गांधी इरविन समझौते को इसमें लागू किया गया है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कब किया गया है, तो ये जब गांधी इरविन समझौता हुआ है तब किया गया है। और द्वितीय गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए किसमें बात की गई है, तो कराची सॉरी गांधी इरविन समझौते में की गई। दो तीन पॉइंट जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग आगे। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग, तो गोलमेज सम्मेलन, देखो तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात क्या की आपसे, गांधी इरविन समझौते की बात की और कराची अधिवेशन की बात की। तो गांधी इरविन समझौते में एक और चीज थी कि हम दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए, यानी कि ब्रिटेन में हुए हैं, ये भारत में नहीं हुए। तो तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है वो वहां हुए। ध्यान रखना कांग्रेस ने पहले वाले में भाग नहीं लिया था, इसीलिए गांधी इरविन समझौता जब हुआ था तो उसमें ये चीज रखी गई थी, शर्त रखी गई कि आप अगले वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे, ये लॉर्ड इरविन ने रखा शर्त। गांधी जी ने कहा ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने अब शर्त रख दी थी और इन्होंने मान ली, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के इनको लंदन जाना पड़ा था। ठीक है, तो वही चीज हम लोग देख रहे हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है वो आपका नवंबर, ये इंपॉर्टेंट है, तीनों गोलमेज सम्मेलन की डेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 लंदन में हुआ। ठीक है, 1930 में चालू हो गया, लेकिन कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, आपको ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है कि किसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने एक्चुअल में एक ही में भाग लिया था, ठीक है, कि ये केवल दूसरे वाले में ही भाग लिया था, बाकी उसने पहला भी नहीं लिया था और ये तृतीय भी नहीं लिया था, दोनों को बहिष्कार कर दिया था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 लंदन में हुआ, भारत की तरफ से 89 भारतीय प्रतिनिधि ने भाग लिया, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट ये वाला ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है कि ईसाइयों का प्रतिनिधित्व, असल में उस समय भारत में था क्या ना कि सब लोग अपने अपने धर्म का प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब जो मुस्लिम है तो उसका नेता कहता था कि मैं मुस्लिम का प्रतिनिधि हूँ, जो ईसाई था तो वो कहता था मैं ईसाइयों का प्रतिनिधि हूँ, ये इस तरह से चला करता था।
बाकी जो हिंदू वगैरह है तो उसको कहती थी कांग्रेस के, हम इनका वो है प्रतिनिधि है, इस तरह से चीजें चल रही थी। तो भले वो लोग वहां गए हैं लेकिन ईसाइयों का जो प्रतिनिधि है वो अलग है, वो केटी पॉल है, मतलब वो कहता है कि ईसाइयों की तरफ से जो मैं हूँ मैं उनका प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो ये ध्यान रखना है कि ईसाइयों की तरफ से कौन गया था भारत से, तो केटी पॉल, ठीक है, ये अलग पर्सन। रैमजे मैकडोनाल्ड अध्यक्ष थे उस समय प्रथम गोलमेज सम्मेलन के, और उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट ने किया। चलिए, ये प्रधानमंत्री भी है, ठीक है, रैमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री भी है वहां। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 30 में हुआ 1930। चलिए आगे देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ 7 सितंबर, ठीक है। हेलो हेलो, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की हम लोग बात कर रहे थे। द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन आपका 7 सितंबर 1931 को और 1 दिसंबर 1931 तक आपका चला, ठीक है। यही ये चीज हम पढ़ चुके हैं वैसे पीछे, लेकिन आप रिवाइज नहीं कर पाए होंगे। देखो ये वही वाला है जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए थे और पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसके बाद आपका पूना पैक्ट वगैरह देखने को मिला था, जब वो गांधी जी ने अनशन पे बैठ गए थे और कहा था कि हम ये नहीं होने देंगे, अलग से हम बटने नहीं देंगे। ये वही वाली चीज तो है। द्वितीय में गोलमेज सम्मेलन जब 1931 से 1 दिसंबर तक हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की थी कि मतलब जो दलित जाति है उसके लिए आप एक पृथक निर्वाचक मंडल दीजिए और उसमें जो प्रतिनिधि है उनको चुनने का अधिकार दीजिए कि उसको हम लोग चुन सके। ये चीजें कुछ थी। हाँ, इसमें ये जरूर पूछ सकता है कभी, आप ध्यान रखिएगा, गांधी जी एक जहाज से गए थे, अब जहाज का नाम भी पूछ सकता है। उस जहाज का नाम है SS राजपुताना, ये जहाज था जिस जहाज से वो गए थे। इवन जहां वो रुके थे वो भी पूछा गया है, कौन से हॉल में ठहरे थे गांधी जी। तो गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है, मतलब अगर ये छींक भी दे तो ये भी पता है कि कब छींके थे वो, है ठीक है। तो ये गांधी जी के लिए ध्यान रखना है। SS राजपुताना जलपोत से ये गए थे वहां और लंदन पहुंचे थे, तो उनको एक स्पेशल हॉल था किंग्सले हॉल, उसमें इनको ठहराया गया था, ठीक है, दोनों चीज याद रखिएगा। इसके अलावा सरोजनी नायडू गई थी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, मदन मोहन मालवीय थे और एनी बेसेंट, इन लोग को भी ध्यान रखिएगा क्योंकि गांधी जी के साथ और लोग भी वहां पहुंचे थे। मेन मेन लोगों को याद रखना होता है कि कौन वहां शामिल हुआ था। तो पहला हुआ है 1930 में, दूसरा हुआ है 1931 में, और ये SS राजपुताना जलपोत, ये ध्यान रखिएगा SSC वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये जो MTS एग्जाम होते हैं 10+2 होते हैं, उनमें ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, फैक्ट वाले क्वेश्चन, कौन से जहाज से पहुंचे थे, कहाँ रुके थे, ये सब ये क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं उसमें। तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो 32 में हुआ 1932, लेकिन कांग्रेस ने इस बार भी बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब कांग्रेस केवल एक बार शामिल हुई, वो भी कौन, द्वितीय, वो भी इसलिए क्योंकि गांधी इरविन समझौता हुआ था और गांधी इरविन समझौता में वो चीज लागू की गई थी, ठीक है। सर गांधी जी क्या खाते थे, गांधी जी हमें लगता है शाकाहारी थे,
मांसाहारी नहीं थे, है ना, गांधी जी शाकाहारी थे, तो वो चीज नहीं खाते थे। अब देखो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, बस ये क्योंकि चला आ रहा है इसलिए हम लोग रिवाइज कर ले रहे हैं चीजों को। पूना पैक्ट हम पीछे पढ़ा चुके हैं आपको, इस बार आपको रिवाइज करके पूरा याद कर लेना है। हुआ क्या था आप जानते हो, यही अंबेडकर जी के साथ कुछ हुआ था जब उन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल की बात की थी, ये तब हम लोगों ने बात की थी जब वायसराय वगैरह पढ़ रहे थे हम लोग। तो पूना पैक्ट 1932 की जब बात करते हैं, देखो 16 अगस्त 1932 रैमजे मैकडोनाल्ड ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, याद आया कुछ कम्युनल अवार्ड? ये जब हम लोग गवर्नर वगैरह पढ़ रहे थे तो ये पॉइंट पढ़ा था हमने, तो कम्युनल अवार्ड की इसने घोषणा कर दी थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। इसके अकॉर्डिंग क्या था कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में सीटें सुरक्षित कर ली गई थी, मतलब सिखों के लिए एक अलग बना दिया गया, मुस्लिमों के लिए अलग बना दिया गया, जो भी अल्पसंख्यक थे तो उनके लिए अलग, मतलब सिखों को अपना चुनने का अधिकार दे दिया कि सिख लोग अपने नेतृत्व को चुन सकते हैं, मुस्लिमों को अपना अधिकार दे दिया आप अपने नेता को चुनिए, ये इस तरह से चल रहा था। तो जो अल्पसंख्यक थे उनको अधिकार दे दिए गए। तो इसी बीच अंबेडकर साहब ने भी मांग उठाई थी कि दलितों के लिए भी मतलब आप एक पृथक निर्वाचक मंडल दीजिए और उन्हें भी चुनने का अधिकार दीजिए, ये कुछ ऐसे था। तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने जो ये किया, इस निर्णय के विरुद्ध गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू, आपको बताया ही था जैसे उनको पता चला कि ये लोग हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं, यानी कि अच्छा गांधी जी की एक बात ठीक है, मतलब मुस्लिम के लिए कर रहे थे बड़े खुश, कोई बात नहीं उनको अलग मिलना चाहिए, सिखों के लिए कर रहे थे उनको भी अलग मिलना चाहिए, और जैसे दलित वलित के लिए बात आई या पिछड़ी जाति के लिए बात आई तो कहते नहीं भैया ये लोग हिंदू को बांट रहे हैं, ठीक है, मतलब ये तुरंत इस मुद्दे पे खिलाफ हो गए वो कि इनको नहीं मिलना चाहिए, इनको हिंदू मतलब एक ही साथ रहना चाहिए। भाई सीधे कह देते भैया सब लोग एक साथ रहो, काहे को आप अलग अलग कर रहे हो, सबसे बड़ा कम्युनली तो यहीं से शुरू हो गया, जब आपने इनको कर दिया आप आमरण अनशन एक और कर लेते, कहते नहीं भैया सिखों को अलग नहीं देना है, मुस्लिमों को अलग नहीं देना है, सबको एक साथ देना है, उसके लिए भी तो करना चाहिए था, नहीं किए, कोई बात नहीं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता था उनके, पता नहीं इतने बड़े महापुरुष है कुछ तो सोचे होंगे। तो गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू हो गया 20 सितंबर 1932, यरवदा जेल पुणे में है ये, ठीक है, ये चीजें हम डिस्कस किए बट आप रिवाइज कर लो, भूल गए होगे तुम लोग, यरवदा जेल, ठीक है, 20 सितंबर 1932 को। और इसी के बाद जब मनमुटाव हुआ, जब ये इस तरह हुए तो अंबेडकर साहब को जाना पड़ा, क्योंकि अंबेडकर साहब समझ गए कि अब बिना गांधी जी को मनाए अब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि ये सीधे खिलाफ हो गए, भैया ये सब तो नहीं होगा। अंबेडकर साहब पहुंचे, वही जो होना था समझौता हुआ, तो पूना समझौता उसको बोला गया 24 सितंबर 1932 यरवदा जेल में, है ना, दलित वर्ग से अंबेडकर साहब थे और हिंदू जाति से मालवीय जी ने हस्ताक्षर किए। तो गांधी जी के पास ये दोनों लोग पहुंचे थे, अंबेडकर साहब और मालवीय जी प्रतिनिधि, कहा कि नहीं दोनों लोग अलग नहीं करेंगे हम लोग, ये सब लोग एक साथ ही लड़ेंगे चुनाव, ये उसमें बात हुई, ठीक है। तो ये जो कम्युनल अवार्ड का पॉइंट चल रहा था कि सबको अलग अलग कर दिया जाएगा, तो उसमें से दलित समुदाय को अलग नहीं किया गया, उनको रखा गया, लेकिन मुस्लिम और सिख इनके लिए अलग निर्वाचन दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है 24 सितंबर 1932, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूना समझौता कब हुआ है 24 सितंबर 1932, पूना समझौता कब हुआ है 24 सितंबर 1932, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन खत्म हुआ है उसके बाद ही ये चीज हुई है, ठीक है। अब देखो ना तृतीय गोलमेज सम्मेलन पहले हो गया, ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर को हुआ है, ये दूसरे के बाद ही हो गया था, हाँ जब ये हुआ था पृथक निर्वाचन मंडल, ये जब मांगने गए थे पृथक निर्वाचक मंडल तभी हो गया था ये, उसके बाद ही, ठीक है ना, पृथक निर्वाचन के बाद। तो ये आपका पॉइंट हो गया क्लियर, बाकी थोड़ी सी जानकारी है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए क्योंकि अब इस तरह की चीजें आपके लिए नहीं आती। दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से 148 कर दी गई, केंद्रीय विधानमंडल में सामान्य वर्ग की सीटों में से 18% सीटें दलित वर्ग को लिया आरक्षित, ठीक है। पूना पैक्ट के बाद अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना गांधी जी, बाद में नाम हरिजवंश जनसेवक संघ। और ये देखो पॉइंट ये है, एक्चुअल में ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इस पूरे पेज में केवल ये सबसे इम्पोर्टेंट पूना समझौता है, केवल कि पूना समझौता हुआ कब था,
तो पूना समझौता आपका 24 सितंबर 1932, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना होगा। ठीक, दूसरी चीज समझिए, ये क्या है, ये असल में सीटों का आवंटन है। ये जब पूना समझौता हुआ है तो उस पूना समझौता में बात ही ये हुई है कि हम माने क्यों आपकी बात गांधी जी से, कि ऐसा आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं। एक तो आपने जो हमें निर्वाचन मंडल मिल रहा है उसको आप खत्म करवा रहे हैं, तो हम क्यों आपकी बात माने। तो गांधी जी ने कहा ऐसा है, हम तुम्हारी सीटें बढ़ा देते हैं, जहां हम तुमको केवल 71 सीट दे रहे हैं लड़ने के लिए, अब हम तुमको 148 दे रहे हैं। तो आप अगर 71 जगहों से लड़ सकते थे तो अब आपको 148 जगह हम दे रहे हैं लड़ने के लिए, तो क्या खराबी है, अब आप लड़िए, डबल कर रहे हैं सीधे, हम इतने उम्मीदवार उठाइए, क्यों प्रथम निर्वाचक मंडल करते हैं। तो वो एक बात हुई समझौते में, और सीधे सीधे वो डबल कर दी गई सीटें कि इतने प्रतिनिधियों को आप उठा सकते हैं, तो आपका एक प्रकार से बढ़िया ही हो गया कि आपके ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधि लड़ेंगे, ये हुआ। इवन जनरल जो सामान्य वर्ग की सीट थी उसमें 18% सीटें आरक्षित कर दी गई, पहले आरक्षण नहीं था उसमें, तो उन्होंने कहा चलो ये तो हम आपको दे ही रहे हैं, 18% हम उन सीटों में से भी आरक्षण दे दे रहे हैं जो जनरल के लिए है, आप इन पे भी लड़ सकते हैं, सिंपल है। तो बहुत सारी चीजें इसमें कर दी गई जिससे कि चलो समझौता हुआ, मान गए, ठीक है, उस तरह से हमने। तो अब ये पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा दोनों। और पूना पैक्ट के बाद जो एक स्थापना हुई है लीग की, ये नाम ध्यान रखना है बस, क्यों, क्योंकि ये नाम पूछता है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, बट हमें नहीं लगता कि किसी को ये भूलेगा, क्योंकि हर कोई जानता है कि गांधी जी ही वो व्यक्ति थे जो हरिजन से सबसे ज्यादा संबंधित थे, मतलब ये इनके हमेशा इनके उत्थान के लिए काम करते थे, कौन, गांधी जी। तो हरिजन नाम भी अगर देखा जाए तो यही मानते थे इन लोगों को, दलित वर्गों को, और ये कहते भी थे कि दलित कहना सही वर्ड नहीं है, उनको हरिजन कहना सबसे बेस्ट वर्ड है, तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें वो हरिजन कहा करें। इस तरह से चीजें थी गांधी जी की, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और इसके पहले अध्यक्ष घनश्याम दास बिड़ला थे। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं, कितने गोल में सम्मेलन हुए, 3, कब कब हुए, 30, 31, 32, पहला 30 में, दूसरा 31 में, तीसरा 32 में। पूना पैक्ट कब हुआ, 24 सितंबर 1932, उस समझौते में यरवदा जेल गया थे, और ये एक मंदिर की तरह भी पूजा जाता था यरवदा जेल, हमने पीछे बात की। इस समझौते में दो व्यक्ति जिन्होंने हस्ताक्षर किए गांधी जी के सामने, एक व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय और दूसरे थे आपके कौन, डॉक्टर अम्बेडकर, दोनों ध्यान रखना है, ठीक है, हिंदुओं की तरफ से वो और दलित वर्ग की तरफ से वो, ठीक है। तो पूना पैक्ट क्लियर हो गया सबको, चलिए कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये वाला नहीं, अब आते हैं हम लोग कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, इसके बाद क्रम से देखते हैं, ये सब रैंडम हो गया है। कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा, कांग्रेस के जब अधिवेशन हमने बताए थे तो उसमें 38-39 वाले जो अधिवेशन बताए थे वो सुभाष चंद्र बोस के बताए थे, एक त्रिपुरी में जबलपुर की तरफ हुआ था, है ना, एक हरिपुरा अधिवेशन हुआ था गुजरात में, याद आ रहा है कुछ, सुभाष चंद्र बोस ने जो दो पार्टिसिपेट किए थे, यस या नो, वही चीज है। तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख रहे हैं, पढ़ा आप चुके हो लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात अधिवेशन हुआ था हरिपुरा का 1938 में, और अध्यक्ष कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। त्रिपुरी, यही कहलाता है त्रिपुरी संकट, क्यों कहलाता है आपको बता देते हैं, इसको ध्यान रखना है कि त्रिपुरी संकट मतलब वो जगह से है। जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1939 में जबलपुर त्रिपुरी में, तो इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, लेकिन आपको पता होगा कि पट्टाभी सीतारमैया को हराकर ये जीते थे। एक्चुअल समझिए, गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे पट्टाभी सीतारमैया का, गांधी जी सुभाष चंद्र के सपोर्टर नहीं थे। सबसे बड़ी दिक्कत यही थी ना कि गांधी जी मेन चीजों पे सपोर्ट ही नहीं करते थे, तो सुभाष चंद्र बोस को ये सपोर्ट ही नहीं किए जब ये अध्यक्ष बने। चुनाव हुआ और निर्विरोध तो नहीं कहेंगे, लेकिन वोटिंग हुई और सुभाष चंद्र बोस को ज्यादा वोट मिले और वो जीत गए। ये चीजें बड़ी खराब लग रही थी लोगों को जो उधर के थे, तो गांधी जी पट्टा भी सीतारामैया को कर रहे। अब इन लोगों में अनबन हो गई, बहुत सारी चीजें थी। देखो क्या हुआ, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर मतभेद हो गया। चल क्या रहा था, गांधी जी कह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया को बनाइए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि ठीक है चुनाव कर लीजिए, वोटिंग हो जाए। वोटिंग हुआ तो सुभाष चंद्र बोस जीत गए,
लेकिन जो कार्यकारिणी की बैठक होती है, जो मीटिंग होती है, जैसे अब आपने आज की डेट में सुना होगा कि कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया है ना, भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक में ये निर्णय लिया गया, इनको राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित कर दिया गया है, इनको हटा दिया गया है, ऐसा भी न्यूज आया था ना, सुने होंगे कि इनकी कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। यही होती है बैठक, मतलब जिसमें पूरी जो पार्टी है वो इकट्ठा होती है, उसके जो सदस्य वगैरह मेन है, और उसमें मेन मेन निर्णय लिए जाते हैं कि आप पार्टी को आगे चलाने के लिए क्या करना है। तो वही कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि हम अध्यक्ष तो हैं लेकिन गांधी जी हम आपके हिसाब से ही चलेंगे, आप जैसा कहेंगे उस हिसाब से ही हम चीजों को करेंगे, और आप बताइए कि क्या करना है। तो गांधी जी कहते नहीं, अब तुम अध्यक्ष बने हो, अब तुम करो जो करना है। मतलब इस तरह से थोड़ा सा मनमुटाव हो गया था, बोस जी ने इस्तीफा दे दिया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा इस तरह तो सर काम नहीं होगा, गांधी जी आप अगर खुश नहीं है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया उस समय तुरंत, ठीक है। जैसे इस्तीफा इन्होंने दिया उस त्रिपुरी संकट में, वह त्रिपुरी वही वाले में, जबलपुर वाले में, तो अब दिक्कत यही यही संकट कहलाता है क्या, कि अब वो अध्यक्ष बने कौन, क्योंकि सडनली ये चीजें हुई थी और कहीं ना कहीं पार्टी में मतभेद पड़ जाता, पार्टी टूट जाती। तो बोस ने इस वजह से भी किया कि नहीं पार्टी को मत तोड़िए, सब कुछ ठीक चलने दीजिए, इसलिए इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने, और जस्ट उनके बाद ही राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। तो त्रिपुरी संकट का मतलब यही था कि जो इस्तीफा हुआ है और इस्तीफा के बाद जो राजेंद्र प्रसाद जी उसके अध्यक्ष बनाए गए। तो ये आपको पॉइंट था जो ये पूछा जाता है, तो बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं कि त्रिपुरी संकट क्या है। तो एक्चुअली त्रिपुरी संकट बस यही है, ठीक है, कि वो जो 1939 में हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे, लेकिन थोड़ा सा उसमें मतभेद के कारण इस्तीफा दे दिया था और कुछ चीजें गड़बड़ हो गई थी वहां पर। 1939 में त्रिपुरी संकट के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ये क्वेश्चन बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, या तो ये क्वेश्चन बनता है सुभाष चंद्र बोस ने किस चीज की स्थापना की थी या किस विभाग की स्थापना की। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी जस्ट त्रिपुरी संकट के बाद। आई होप कि त्रिपुरी संकट क्लियर हुआ क्या है। त्रिपुरी संकट बस इतना सा है कि जब चुनाव हुआ था कांग्रेस के अध्यक्ष पद का, तो त्रिपुरी एक जगह का नाम है जबलपुर, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और इसमें सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष चुना गया था। लेकिन क्योंकि गांधी जी पट्टाभी सीतारमैया को बनाना चाहते थे तो कुछ अनबन हुई और सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। यही त्रिपुरी संकट, ठीक है। चलिए बीच में देखते हैं हम लोग थोड़ा सा द्वितीय विश्व युद्ध की जो बातें शुरू हो रही हैं, क्योंकि इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। इतना सब जानते हो बट थोड़ा सा रिवाइज कर लो। द्वितीय विश्व युद्ध जो शुरू हुआ है, कांग्रेस ने समर्थन के लिए शर्त रखी भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। मतलब कांग्रेस वाले भी अपना ही चल रहे हैं। अरुण मौर्य इसमें कह रहे हैं त्रिपुरी का मतलब क्या है। अबे तुम लोग कैसे आदमी हो भाई, मतलब तुम लोग कैसे स्टूडेंट है, त्रिपुरी का क्या मतलब है। अभी हम क्या समझा क्या रहे थे तुम्हें, ये त्रिपुरी ये क्या लिखा है, ये त्रिपुरी ये क्या है त्रिपुरी। अरुण समझ गया, अरुण देखो बड़ी जल्दी समझ जाता है भाई, बहुत तेज है। अभी थोड़ी देर पहले ही बोले हैं कि दूसरा अधिवेशन जो हुआ है वो त्रिपुरी में हुआ है, इसकी वजह से वो नाम दिया गया है, और त्रिपुरी जबलपुर में होता है। अच्छा पहले का मैसेज किए वो क्या, ओके हम बाद में देख रहे हैं, ठीक चलिए ओके। तो ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में चालू हुआ, कांग्रेस ने समर्थन के लिए शर्त रखी भाई, उस समर्थन करना था, कांग्रेस ने कहा भाई हम समर्थन करेंगे लेकिन आपको भारत को स्वतंत्र घोषित करना पड़ेगा, जैसे युद्ध खत्म हो आप हमको स्वतंत्र कर दीजिए, हमारी शर्त यही है, ठीक है। चलिए ठीक है, लॉर्ड लिथगो जो इस समय वायसराय था, 17 अक्टूबर 1939 भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया अपने मन से, भारत वाले शामिल भी नहीं हो रहे। यहाँ के नेता कह रहे हैं भैया कि पहले शर्त रखी है कि पहले तुम हमारी शर्त मानो, ये कहता है नहीं भारत वाले शामिल होंगे, ये पहले ही से बोल दिया चलिए लड़िए। तो लॉर्ड लिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित कर दिया। जर्मनी ने ही तो अटैक किया था पोलैंड पर, तो जर्मनी का ही तो तानाशाह हिटलर था जिसने पोलैंड। तो आगे देखते हैं, इसमें दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गया, ठीक। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था जहां से शुरू हुआ, और 1945 में समाप्त हो गया।
उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल, 1940 से 1945। विंस्टन चर्चिल का नाम आपने किसी मूवी में सुना है, एक वो जो नमस्ते लंदन या ऐसा कुछ, कौन सा है वो, अक्षय कुमार की है वो मूवी या ऐसा कुछ, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। तो ये उस समय प्रधानमंत्री था जब ये सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा है 1940 से 45, तो ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस समय। नॉर्मल है द्वितीय विश्व, बस ये बताना आपको नॉर्मल सा है, ठीक है, कि उस समय था कौन, ये आपको ध्यान रखना कि भारत का वायसराय कौन था, बस इतना याद रख लो। जब ये शुरू हुआ है 1939 तो लॉर्ड लिथगो था। अच्छा, ये तुम वैसे भी याद कर सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे जब गवर्नर वायसराय वगैरह का टॉपिक पढ़ाया, जब रिवाइज करोगे तो उसमें डेट वाइज हमने आपको एक एक बताया कि कब से कब तक कौन रहा है, तो वो डेट अगर आप याद कर लोगे तो चीजें आप वैसे क्लियर हो जाएंगे कौन कब रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की मांग, मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग प्रथम बार आप देखिए कब किया गया है, पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई है, तो कब की गई है? मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग पहली बार 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा इकबाल के भाषण से हुई है, पूरा लिख दिए। पाकिस्तान की मांग पहली बार 1930 में इलाहाबाद के अधिवेशन में मुस्लिम लीग के द्वारा इकबाल के भाषण से हुई है, पूरा ध्यान रखिएगा। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की मांग प्रथम बार, अभी पाकिस्तान का शब्द यूज नहीं हुआ है, ठीक है, बस एक मांग हो रही है क्या कि मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश चाहिए, मतलब मुस्लिम के लिए हमें एक अलग से देश चाहिए, इसकी मांग हो रही है, अभी पाकिस्तान शब्द की मांग नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मुस्लिम जहां जहां ज्यादा है वहां पर हमको एक अलग देश दे दीजिए, और ये 1930 की बात चल रही है, इलाहाबाद में ही अधिवेशन हुआ है, ठीक है, 1930 का मुस्लिम लीग द्वारा ये मांग हुई थी, और उसमें भाषण जो हुआ था वो इकबाल का हुआ था, तो इकबाल ने अपने भाषण में ऐसा बोला था। अब शब्द का प्रयोग किसने किया है वो समझिए, तो पाकिस्तान शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किया है चौधरी रहमत अली, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया है, चौधरी रहमत अली 1933, इन्होंने कुछ पैम्पलेट छपवाए थे, ये उधर यूरोप में थे, ब्रिटिश ब्रिटेन वगैरह में थे, तो वहां का ही आदमी है, और वो अपने पैम्पलेट में एक छपवा रहा है, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, इस तरह की चीजें वो बार बार लिखवा रहा था उसमें पैम्पलेट में, और उसी में इसने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था कि हमको भी एक पृथक देश की चाहिए और पाकिस्तान नाम जो सुझाया गया वो, तो आपको ध्यान रखना है। मुस्लिमों के लिए पृथक देश की मांग 1930 में हुई है, इलाहाबाद अधिवेशन में हुई है, मुस्लिम लीग द्वारा इकबाल के भाषण थे, लेकिन पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई। चलिए यहां देखिए, भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता जो चल रहा है वो क्या है आपका? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था यहाँ का, मतलब वहां पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन है? क्लेमेंट आर एटली। देखो मेन में चीजें रखी हैं जिससे आपको चीजें कहानी थोड़ी क्लियर रहे। तो भारत की जब स्वतंत्रता हुई है तो उस समय जो क्लेमेंट आर में एटली है वही वहां का क्या है? प्रधानमंत्री है। लेबर पार्टी सत्ता में थी। ये सब खैर आपके में तो नहीं बने हैं क्वेश्चन, ये स्टेट पीसीएस में सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, एसएससी वगैरह में तो खैर ये नहीं बने हैं अभी। तो भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली थे, ठीक है। 20 फरवरी 1947 हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की, क्या घोषणा की जरा समझिए, हम अंग्रेज यानी ब्रिटिश 1948 के पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके भारत छोड़ देंगे। ये जो प्रधानमंत्री है ये भाषण दे रहा है हाउस ऑफ कॉमन्स में, जो वहां ब्रिटेन में है संसद, क्या कह रहा है, हम 1948 जून 1948 के पहले पहले
भारत छोड़ देंगे, लेकिन साथ में एक शर्त भी है जो इसमें हमने नहीं लिखी है। वो शर्त ये है कि हम जो उत्तरदायी सरकार या उत्तरदायी लोगों को जो सत्ता स्थानांतरित कर रहे हैं, अगर ये हमको उत्तरदायी लोग नहीं मिले तो इसमें थोड़ी देरी हो सकती है या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हमें जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढना होगा या उस पार्टी को ढूंढना होगा जो इस सत्ता को ले सके। तो आप लोग तय करिए, जो मतलब पार्टी के लोग हैं, कि ये किसको सरकार बनाई, किसको सरकार का नुमाइंदा बनाया जाए और किसको देश का मतलब उत्तरदायी दिया जाए। ये चीजें भी चल रही हैं साथ में, क्योंकि गड़बड़ हो चुकी थी। मुस्लिम लीग अलग मांग रही है, कांग्रेस का अलग चल रहा है, तो यहाँ गड़बड़ चीजें चल रही है। तो वही इसने कहा था कि आप कोशिश करिए जितनी जल्दी हो सके, अगर हमें उत्तरदायी लोग मिल जाएंगे जिसको हम सत्ता स्थानांतरित कर सकते हैं, तो हम जून 48 से पहले छोड़ देंगे भारत। ये चीजें बात हुई है हाउस ऑफ कॉमन्स में। क्लीमेट आरेटली ने वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वॉयस राय नियुक्त किया। आप जानते होंगे कि जब आजादी की बात हो रही थी तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन था, ठीक है। तो उससे पहले वेवेल था, लॉर्ड वेवेल। तो ये जो एटली थे, इन्होंने वेवेल को हटा दिया और वेवेल के स्थान पे लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भेजा 24 मार्च 1947। अब देखो ये वही आजादी वाला वर्ष है, अब क्योंकि मार्च चल रहा है, अगस्त में आपको मिल जाएगा। तो 24 मार्च 1947 को पद इसने ग्रहण कर लिया था वायसराय का, किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लेकिन एक विशेष हिदायत दी गई थी माउंटबेटन को जब वहां से भेजा गया था। कहा गया था तुम पूरी कोशिश करोगे कि विभाजन ना हो, मतलब आप वहां जा, आपको भेजा तो जा रहा है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिएगा कि सब लोग संयुक्त रहें। यह उसको विशेष हिदायत दी गई थी कि मतलब विभाजन ना हो, और ये बहुत कोशिश किया था माउंटबेटन ने कि विभाजन ना हो अपनी तरफ से। लेकिन यहाँ के जो हमारे नेता लोग थे, इनके महत्वाकांक्षाएं और इनके जो सत्ता की लालच, इसने चीजों को गड़बड़ कर दिया। उसके पीछे ये लोग तर्क अपना अलग देते हैं, बट चाहते तो ये रोक सकते थे, वो अलग बात था कि हिंसा तो खैर हुई और हिंसा होती भी और ज्यादा। आगे चल के देखेंगे आप इसके लिए मतलब विभाजन के लिए सपोर्ट बताया जाएगा, क्यों किया विभाजन हमने, तो उसे नेता लोग बताएंगे, सब बड़े बड़े नेता बताएंगे। हम अगर ऐसा नहीं करते, बहुत ज्यादा हिंसा होती, बहुत लोग बड़े पैमाने पर मारे जाते, और इस तरह के मतलब सेंटेंस कहे जाएंगे। बट माउंटबेटन भी कोशिश किया कि चीजें सही रहें, बार बार मौका दिया उसने कि आप लोग आपस में सुलह कर लीजिए। जब सुलह नहीं हो पाई तभी वो बंटवारा हुआ, ठीक है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था स्टूडेंट? एटली था, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन को कब नियुक्त किया गया? 24 मार्च 1947 को। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट, माउंटबेटन योजना, यही वो योजना है जिससे सारी चीजें तय हो गई क्या करने वाले हैं लोग। माउंटबेटन योजना जिसको कहा जाता है, जो लॉर्ड माउंटबेटन की थी, ये 3 जून 1947 की बात चल रही है, मार्च में था, अप्रैल मई जून। तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू करने की बात हुई। क्या हुआ? एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की गई। देखो हमने आपसे बोला कि जब इटली ने इसको भारत भेजा वायसराय बना करके, तो सीधा इसको हिदायत थी कि आप कोशिश करिए विभाजन ना हो, अपनी तरफ से पूरा संयुक्त रखने की कोशिश कीजिए। माउंटबेटन ने बार बार इन लोगों को समझाया, जब नहीं हुआ तो उसने साफ साफ लिख दिया, वहां बता दिया है लंदन में, अब कोई उपाय नहीं है, विभाजन होगा ही होगा, क्योंकि ये दोनों लोग नहीं मान रहे, जो मुस्लिम लीग है कांग्रेस है, ये लोग नहीं कर सकते और विभाजन हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं आपकी बात का भी सम्मान रखता हूं, बट मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो इटली के वक्तव्य के दायरे में रहकर भारत विभाजन की एक योजना तैयार शुरू हो गई कि अब यह विभाजन कैसे होगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीयों को सत्ता सौंपने का दिन निर्धारित किया गया, सत्ता हस्तांतरण। माउंटबेटन योजना में ही ये डेट निर्धारित हो गई। 3 जून 1947 को जब ये माउंटबेटन योजना बन रही है, तो इन्होंने 15 अगस्त की डेट फाइनल कर दी, और इसीलिए सब चीज जल्दी जल्दी हो रही थी। जैसे जैसे डेट बीत रहा था बड़ी दिक्कतें बढ़ रही थी, क्योंकि कोई कोई बात नहीं बन रही थी, बार बार बैठक हो रही थी,
मुस्लिम लीग बैठती थी, कांग्रेस बैठती थी, बार बार बहस होती थी, किसी बात पे वो नहीं मानते थे, किसी बात पे वो नहीं मानते थे, चिंता माउंटबेटन की बढ़ती थी क्योंकि उसको सत्ता छोड़ के ब्रिटेन लौटना था। तो उसने 15 अगस्त 1947 को उसने कहा था कि आप लोग फाइनल कर लीजिए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि मैंने डेट तो फाइनल कर दी है और हमें लौटना ही पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, और या फिर अराजकता फैल जाएगी, फिर आप लोग जिम्मेदार होंगे, फिर ब्रिटिश सरकार जिम्मेदार नहीं होगी। तो इस तरह की चीजें कुछ चल रही थी माउंटबेटन योजना में। माउंटबेटन योजना के अनुसार ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना में क्या चीजें हुई थी। तो भारतीय विभाजन की एक योजना तैयार हुई थी और 15 अगस्त 1947 को आजाद करने का, सत्ता छोड़ने का बात हो गया। माउंटबेटन योजना के अनुरूप ब्रिटिश संसद द्वारा 4 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। इसमें छोटा सा पॉइंट है लेकिन हम ये डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आपको पॉलिटी शुरू करेंगे, आपको हमने बताया तो उसमें बहुत सारे वो नियम जो है ना वो सब पढ़ेंगे हम लोग एक एक करके, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के जितना आएगा। तो एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया, उसमें से एक लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको यही बता दे रहे हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित हो गई, मतलब सब तय हो गया, भारत पाकिस्तान अब बटेगा, दो अलग अलग देश बनेंगे। ये चीजों की बात 4 जुलाई के उसमें फाइनल कर दी गई भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। माउंटबेटन योजना 3 जून को बनी है जिसमें ये चीज अभी चल रही है, डेट निर्धारित की गई है इसमें, और 4 जुलाई को ही ये नियम पारित हो गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ठीक है। लागू कब हुआ? 18 जुलाई को पारित किया गया, 4 जुलाई को लागू हुआ, 18 जुलाई। इसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त की ही डेट चुनी गई, लेकिन एक दिन पहले पाकिस्तान को बना दिया गया, यानी 14 अगस्त पाकिस्तान कर दिया गया, फिर अगले उसमें 15 अगस्त को हम लोग को कर दिया गया। तो ये इस तरह से चीजें चल रही हैं, ठीक है। चलिए, ये नॉर्मल सा ये पूछा जाता है कि भारत के विभाजन का गुप्त प्लान या भारत के विभाजन का वैकल्पिक योजना क्या थी। देखो, माउंटबेटन योजना तो थी ही, बट बालकन प्लान भी कहा जाता है जो लॉर्ड माउंटबेटन ने बना रखा था कि अगर ये फॉलो नहीं होता है तो बालकन प्लान, मतलब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ी इसीलिए ज्यादा ये इसका डिस्कशन होता नहीं है। तो ये कहा जाता है कि उसके मस्ती की उपज था, कुछ उसने सोचा था क्या करेंगे हम बालकन प्लान, मतलब इस तरह से चीजें थी। तो किसी से उसने डिस्कस नहीं किया था ये चीज, ठीक है, कि किसी से वो डिस्कस करे इसके बारे में, बट उसने एक वैकल्पिक योजना रखी थी कि अगर ये लोग नहीं होंगे तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा ऐसा, ठीक है। तो वो चीज एक रहता है। अब देखिए, अब ये लोग क्या कह रहे हैं, हम विभाजन के लिए क्यों तैयार हुए। अब सुनिए, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए तैयार हो गई क्योंकि वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। इनका कहना था अगर हम विभाजन नहीं करते तो बहुत बड़े सांप्रदायिक दंगे हो जाते, ये कांग्रेस का कहना था, ठीक है, कि हमने विभाजन करवाकर दंगे बचा लिए, ठीक, ये वक्तव्य था इनका। चलिए अगला, सरदार पटेल ने क्या बोला। मैंने यह अनुभव किया कि हम भारत का विभाजन नहीं स्वीकार करते तो भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और पूर्णतया नष्ट हो जाएगा, हमें एक नहीं कई पाकिस्तान मिलते। ये सरदार पटेल का कहना कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो आज हमें जो एक पाकिस्तान देखने को मिल रहा है वैसे कई छोटे छोटे पाकिस्तान भारत में देखने को मिलते, तो आज कौन कम से है, आज कौन बहुत कम है कि मतलब नहीं देखने को मिल रहा है। अरे जब एक मैच होने दो पता चल जाता है कितने पाकिस्तान, सब निकल के आ जाते हैं सामने, नहीं आ जाते नहीं पता चल जाता कि कहाँ क्या हो रहा है सब कुछ। जब अपने ही देश में रह के आप बाहर का करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कोई बात नहीं, फिर भी इन लोगों ने कुछ किया था। दिक्कत जानते हो क्या हुई थी, अभी हम आपको बताएंगे बीच में, एक पॉइंट हुआ था सबसे, सब किया धरा जिन्ना का है, जिन्ना का सब किया धरा है, ठीक है। अब एक किया था इसने डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, इसीलिए कभी देखिएगा कुछ जो कट्टरवादी नेता लोग हैं वो बार बार यही धमकी देते हैं डायरेक्ट एक्शन डे की,
ठीक है, डायरेक्ट एक्शन डे में जिन्ना ने सीधा कहा कि अब ये लोग हमको अलग पाकिस्तान अगर नहीं देते तो हम लोग इसको छीन के लेंगे। इतना बड़ा दंगा हुआ था 1946 का, वो जो डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, भयंकर मारकाट हुई थी जिसकी सीमा नहीं है। जो मुस्लिम इलाके थे जहां पर हिंदू जनसंख्या वगैरह थी, वो तो इतनी बुरी तरीके से मारी गई कि मतलब हर नेता परेशान हो गया। तभी सरदार पटेल ने ये बात बोली है कि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हालत बहुत गंभीर हो जाती। उस समय की सिचुएशन को देखते हुए ये वक्तव्य दिए गए, और हम और आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि उस समय क्या स्थिति रही होगी। हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उस स्थिति को देखा होगा वही समझ सकते हैं कि उस समय क्या था। ठीक है, तो ये सब जिन्ना का किया धरा है। ठीक है, और गांधी जी ने इवन, जानते हो, गांधी जी ने इवन यहां तक कहा था कि जवाहरलाल नेहरू से बोला कि ऐसा है कि तुम सत्ता छोड़ दो और जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है या जो ये बनना है वो जिन्ना को दे दो। जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश रंजन, तुम लोग बहुत अच्छा सोते हो भाई, बैठे बैठे सो जाते हो, गजब सोते हो। ये क्वालिटी आती कैसे, आपको समझ में नहीं आती कि ये बैठे बैठे सोना कैसे हो जाता है। मतलब गिरते भी नहीं है सब, मतलब ये भी देखो कि वो बैठे बैठे आंख भी हो जाती है, गिरते भी नहीं है। ये क्वालिटी है, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो क्या बता रहे थे हम, क्या किसके बारे में बता रहे थे? हाँ, जिन्ना को सत्ता दे दे। तो गांधी तैयार हो गए थे। गांधी जी बंटवारा नहीं चाहते थे। गांधी जी ने कहा कि मेरी लाश पर ही बंटवारा होगा, मैं बंटवारा बिल्कुल नहीं चाहता, और क्योंकि मेन इसकी जड़ कुर्सी है। आपको सच बताएं, मेन जड़ कुर्सी ही थी। तो गांधी जी ने कहा जवाहरलाल नेहरू से कि तुम जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है वो जिन्ना को दे दो, और बहुत बार समझाया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा नहीं। यहाँ इनका भी अहम बीच में आ गया, नेहरू जी का। इनने कहा मैं तो कुर्सी नहीं दूंगा, जो भी बात हुई हो समथिंग, बट फाइनली ये हुआ कि कुर्सी देने को तैयार नहीं हुई है। तो गांधी जी वही कह रहे थे कि अगर तुम दे देते हो तो ये विभाजन होने से रुक जाएगा, अगर तुमने कुर्सी नहीं दी और जिन्ना को नहीं बनाया तो विभाजन तो होगा, क्योंकि जिन्ना मानेगा नहीं। और वही हुआ, क्योंकि कुर्सी जवाहरलाल नेहरू ने छोड़ी नहीं और जिन्ना को कुर्सी चाहिए भी थी। तो ठीक है भाई, बंटवारा हुआ वही, और फिर पाकिस्तान जिन्ना के हिस्से पड़ा और भारत जवाहरलाल नेहरू। फिर आगे चल करके इनके एक और खास व्यक्ति आए, अब्दुल्ला साहब, जिनको कश्मीर का प्रधानमंत्री बना दिया गया। तीनों लोगों ने मिल करके पूरे अलग अलग जगहों पर राज किया, भारत के टुकड़े हो गए। सर अगर जिन्ना प्राइम मिनिस्टर बन जाता तो क्या होता, पता नहीं यार, अब ये तो हम नहीं बता सकते कि क्या होता। हाँ, अगर वो जिन्ना कुछ बन जाता तो हम लोग कुछ और पढ़ रहे होते, इतना जानते हैं। ठीक है, और कुछ अलग ही स्थिति होती। अब हम कैसे बता दें कि क्या होता भाई, अब अंदाजा लगाना भी गड़बड़ है भाई। जिन्ना जिस प्रकार का व्यक्ति था, अगर उसको कुर्सी दे दी जाती तो हमें नहीं लगता कि वो कोई बहुत बढ़िया काम करता, क्योंकि जिस हिसाब के उसके दिमाग चल रहे थे, ठीक है ना। अब जो डायरेक्ट एक्शन डे करवा सकता है, मतलब उस तरह की चीजें, तो नो डाउट उस पर विश्वास करना उतना अच्छा नहीं है। तो जहां तक हम समझते हैं, जिन्ना को नहीं बनाया तो बढ़िया ही किया। ठीक है, इवन उससे लाख गुना अच्छे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जिन्ना का सपोर्ट तो हम नहीं करते, बढ़िया किया गया। हाँ, लेकिन बंटवारा हो गया देश का, ये थोड़ा सा दिक्कत हुआ। ठीक है, बट क्या गारंटी है कि उसके बाद भी ना होता। जब जिन्ना इस तरह का व्यक्ति था तो क्या गारंटी है कि वो ना होता, कुछ और चीजें हो जाती, कुछ भी पॉसिबल था। ठीक है, बट हाँ, इतना अच्छा है कि जिन्ना नहीं बना, ये बहुत अच्छी बात हुई। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू उससे लाख गुना अच्छे हैं, खराब है लेकिन बहुत अच्छे हैं उससे, ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप भले कितने भी आप विरोधी हो किसी के, लेकिन जिन्ना से लाख गुना अच्छा है जवाहरलाल नेहरू। तो ये चीजें आपके इसमें, ठीक है। अब क्या हुआ, भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी, देखो ये लिखा है, गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि विभाजन चाहता था जिन्ना, तो कहते थे कि इसी को दे दो भाई, एक होता नहीं है, देवेंद्र रेज हैंड, क्या हुआ भाई देवेंद्र, कहाँ हो, अरुण कह रहा है सर नाथुराम गोडसे गांधी जी की जगह जिन्ना को गोली मार दिया होता तो शायद विभाजन रुक जाता। गांधी जी को गोली कब मारी गई है, विभाजन कब हुआ है भाई, दोनों डेट अलग अलग है, विभाजन तो पहले ही हो गया ना, अब या तो विभाजन से पहले ही गोली मार दिए होते तो अलग बात थी जिन्ना को, है ना, तो हाँ हाँ विभाजन से पहले अगर है तो, अरे तो कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ो थी नाथुराम गोडसे की जिन्ना उससे, गांधी जी से कोई चीज अच्छी नहीं लगी होगी या कुछ ऐसा हुआ होगा जो नहीं पसंद आ रहा था इस वजह से किया था, अगर पर्सनल दुश्मनी होती तो बहुत पहले मार दिया होता ना, तो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, कोई ऐसी चीज होगी बीच में जो चीजें गड़बड़ कर रही होंगी या उसको हर्ट कर रही होंगी भाई, ऐसा होता रहता है। जैसे इंदिरा गांधी जी को जब गोली मारी गई थी तो वो क्यों मारी गई, उनके बॉडीगार्ड नहीं मारा, क्यों मारा, ब्लू स्टार का जो ऑपरेशन हुआ था अमृतसर में, जो सेना गई थी उससे नाराज थे सिख, उनकी भावनाएं हर्ट हुई थी, तो कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी थी बॉडीगार्ड की इंदिरा गांधी से कि चलो तुम मेरे दुश्मन हो हम तुमको आज गोली मारते हैं, एज ए सिचुएशन उसने कहा कि हमारी धार्मिक चीजों पे आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको अच्छा नहीं लगा भाई, अमृतसर मंदिर पे मतलब वो सेना अंदर तक गई, गोली मार दी गई, तो ये इस तरह की रैंडम चीजें होती हैं जो उस समय हुई, ठीक है। रेडक्लिफ समिति की बात करते हैं, रेडक्लिफ समिति के क्या होता है, एक आपको ये अच्छा पता होगा रेडक्लिफ क्या है, बॉर्डर लाइन है भारत और पाकिस्तान, मालूम है सबको, तो रेडक्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारित करने के लिए एक रेडक्लिफ समिति बनी, ठीक है। ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है साइरल या सिरिल रेडक्लिफ, वो इस समिति का अध्यक्ष है, ठीक है, साइरल रेडक्लिफ। दो आयोग बने, पंजाब सीमा आयोग, बंगाल, क्यों बना, क्योंकि दोनों को सीमा का निर्धारण करना था, पंजाब सीमा आयोग आप देख रहे हैं जो पाकिस्तान का एरिया है वहां से बॉर्डर लाइन खींची गई, एक बना बंगाल सीमा आयोग, बंगाल की तरफ से बॉर्डर लाइन खींची गई, तो ये दो सीमा आयोग थे जिसके अध्यक्ष साइरल रेडक्लिफ ही थे। 30 जून 1947, 4 सदस्य पंजाब सीमा आयोग, 4 सदस्य बंगाल सीमा आयोग, जहां से सीमा का निर्धारण कर दिया गया, अध्यक्ष क्योंकि साइरल रेडक्लिफ था और उसी का नाम था रेडक्लिफ समिति, जो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा बनाई गई उसको रेडक्लिफ का नाम दिया गया। 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेडक्लिफ रेखा कहलाई, तो ये जो रेखा बनी हमारे बीच, हम 15 अगस्त को आजाद हुए, वो 14 अगस्त को अपना मनाता है, और 17 अगस्त को ये निर्धारित सीमा का नाम रख दिया गया जिसको रेडक्लिफ सीमा रेखा बोला जाता है, जो भारत पाकिस्तान के बीच है। रेडक्लिफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति है साइरल रेडक्लिफ जो कि उस रेडक्लिफ समिति का अध्यक्ष था, जिसकी वजह से इसका नाम रेडक्लिफ पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत लोग को ये पता नहीं रहा होगा कि ये रेडक्लिफ क्यों पड़ा है, क्योंकि वो याद तो करते हैं लेकिन ये चीज नहीं मालूम है। चलिए, 16 मई 1947 कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव की घोषणा, 6 जून 1946 मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन स्वीकार,
29 जुलाई 1946 लीग ने स्वीकृति वापस ले ली, भारत की विभाजन को टालने का अंतिम प्रयास भी समाप्त। चलो ये उतना वो नहीं है मुस्लिम, बट बाकी सारे इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट थे, ठीक है, ये पढ़ना था आपको। कैबिनेट मिशन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असल में पेज रैंडम हो गए, क्रम से नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहले चलना था, पहले समझौता हुआ है गांधी अरविंद समझौता, ठीक है। हाँ बस अब कल ही करेंगे, बस थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले गांधी इरविन समझौता हुआ है, फिर गांधी इरविन समझौता के बाद आपका कराची का अधिवेशन हुआ है, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता हुआ है, फिर कराची अधिवेशन हुआ है, इसको हमें क्रम से लगा के भेजना पड़ेगा आपको। विभाजन तो बहुत बाद में हुआ है, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता ये पेज था, ठीक है, और कराची अधिवेशन, फिर हुआ है गोलमेज सम्मेलन, ये हुआ है, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बाद ही हुआ है पूना पैक्ट, और फिर पूना पैक्ट के बाद हुआ है आपका वो कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ये वाला कांग्रेस का त्रिपुरी संकट, ठीक है। इसी में हुई है पाकिस्तान की मांग, और फिर सत्याग्रह शुरू हुआ है, वो वाला पेज इसमें गड़बड़ है। पाकिस्तान की मांग, चलो हम लोग कल देखते हैं, हम इसको क्रम से लगा देंगे, नहीं तो आप लोग इसको पढ़ने में दिक्कत कर दोगे, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो गया है ना पेज, तो आप इसको पढ़ने में गड़बड़ कर दोगे। हाँ ये जैसे कैबिनेट मिशन है ये ऊपर आए, चलो हम इसको कल क्रम से लगा के आपको भेजेंगे, है ना, नहीं तो आप इसको ऊपर नीचे कर दोगे, पढ़ ही नहीं पाओ। ठीक है, हम इसको थोड़ा क्रम से कर दे, क्योंकि आप इसमें आधा इधर आधा उधर, क्योंकि आपको डेट पता नहीं है कौन कब पढ़ना है, तो विभाजन पहले पढ़ लोगे, कैबिनेट मिशन बाद में पढ़ोगे, पता चला विभाजन हो चुका, सब लोग मर चुके, तब जाके हम कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो गड़बड़ हो जाएगी लास्ट में पेज, तो हम इसको जरा क्रम से कर दे, फिर हम कल करेंगे इसको, ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।